तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था अपनी पिंकी फिंगर के नेल के ऊपर, तो इसे दुनिया में कोई बोले मैं भगवान हूँ सिंपल काम कर दे भाई, गोवर्धन पर्वत उठा के दिखा दे देखो भगवान मान लेंगे सिंपल। तो इसलिए ऐसा नहीं कोई एनीबॉडी कैन क्लेम टू बी गॉड। तो कृष्णा लिफ्टेड गिरिराज जी, यस, और सारे भक्त लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए भगवान को निहार रहे थे गिरिराज जी के अंदर नीचे तलहटी में वहां पर, और ऐसा नहीं वहां पर सांप बिच्छू वगैरह थे, इट वॉज वेरी क्लीन सुपर डुपर एब्सोल्युटली ट्रांसेंडेंटल ब्यूटीफुल प्लेस। और वहां पर सारे भक्त लोग यानी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में रहे। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि इंद्र का अपना पहाड़ है, उनके घमंड का पहाड़, और मेरे पास मेरा पहाड़ है गोवर्धन, तो मैं अपने पहाड़ से उसका पहाड़ तोड़ूंगा। उसके बाद फिर सबने परिक्रमा भी की, इंद्र ने आके बोला अरे प्रभु आप हमारे मालिक हैं, हमसे गलती हो गई, सारे देवताओं के राजा इंद्र इज अपॉइंटेड एज इंद्र बाई कृष्णा, तो ब्रह्मा जी हो शिव जी हो या इंद्र हो ये सब आके पूजा अर्चना करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। तो परम भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर लीला है, इसलिए उनका नाम है गिरिवरधारी, यानी भगवान गोवर्धन को धारण करने वाले हैं। तो सबसे पहली परिक्रमा मतलब किसने की थी, गोवर्धन की, वो की थी हनुमान जी ने, जब लंका के और ब्रिज बन रहा था तो हनुमान जी देखा गोवर्धन को, अरे वाह एक ही बार ब्रिज बन जाएगा, पर उठा नहीं पा रहे थे, क्या चक्कर क्या है। तो फाइनली उन्होंने परिक्रमा की गिरिराज जी की उड़ करके, फास्टेस्ट एवर परिक्रमा, पहली परिक्रमा भाई।